देखो 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 भाई, फुल ऑफ रोडिंग। हेलो भाई, क्या हाल चाल? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मतलब आज हम राजस्थान है, अभी जब हम ब्लॉग शुरू करें राजस्थान में, आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो बज गए सुबह के 5, भाई ने मुझे उठाया। मेरी डर है चलने की, भाई सोएंगे, अब मैं चलूंगा कंटिन्यू। करते हैं फिर सफर अपना तय। भाई हल्की हल्की मॉर्निंग हो रही है, अब थोड़ी देर में लाइटें बंद। अभी हम पहुंचने वाला हूँ किशनगढ़ थोड़ी देर में। अभी लोकेशन लगा के देखूँगा है कितना दूर रहेगा किशनगढ़, क्योंकि मैंने जब चलाना स्टार्ट किया था मैप नहीं देखा। एक घंटा हो गया कंटिन्यू में चल ही रहा हूँ सीधा अपनी, मतलब इसी लाइन में। तो भाई प्रॉपर मॉर्निंग हो गया, फुल मॉर्निंग। व्यू देखो कितना सही है। और सुबह इस टाइम उठना चाहिए सभी को, मतलब कोशिश करो। जो भाई अपने जो ट्रक वाले भाई वो तो उठते ही उठते हैं, जो घर में भाई हैं सब उठो, मस्त एयर लो, सुबह सुबह फिट हो गए भाई। किशनगढ़ सीधा। अब तो भाई प्यारी प्यारी सी धूप भी आ गई है। अब मैं रुक रहा हूँ कहीं पे, थोड़ी पीते हैं चाय, फिर करेंगे सफ़र कंटिन्यू। किशनगढ़ अभी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, अजमेर ही 100 किलोमीटर, चलो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी चल रहा हूँ 70 की स्पीड में। भाई पहुँच गए यहाँ पे, 10-15 किलोमीटर रह गया कम से कम किशनगढ़। तो रोड थोड़ी टूटी फूटी रोड आ रही है, तो यहाँ पे चाय पी लेते हैं, साथ में गाड़ी को ग्रीस करवा लेते हैं, टायर वगैरह चेक करवा लेते हैं, फिर निकलेंगे आगे। अब तो पहुँच जाएंगे कल सुबह मॉर्निंग तक, रात को बठिंडा, तो सुबह मॉर्निंग जम्मू। चाय की प्लानिंग कैंसिल, अब पी रहे हैं फीस, बस ग्रीस करवाएंगे फिर निकलेंगे। वैसे भी 2-3 घंटे में सुबह कब चला था, 5 बजे, अभी बज रहे हैं 8:30, तो 3 घंटे का वैसे रेस्ट चाहिए। थोड़ी टांगे डूंगे सीधी करो, टहलो। उसको देखना पार, वो कौन से एंगल से आपको पुलिस वाला लग रहा है? ट्रोज़र पहन के, नीचे जो घर में शूज़ यूज़ करते हैं लोकल वो, ऊपर कमीज भी दूसरी है, यूनिफॉर्म का कोई कुछ नहीं, बस भाई लोकल रखे हुए पुलिस वाले। आगे देखो बहुत गाड़ी रोकेगा, बाहर के नंबर गाड़ी, उधर डंडा लेना, डंडा मारने की कोशिश करेगा भाई, नहीं तो ये वो देना लेगा पैसे। अभी देना, गाड़ी चली जाएगी। उससे ले लिए पैसे, वो तो गाड़ी चलेगी। चलो भाई जो दे रहा है, हाँ वो देखो उससे भी ले लिया आपके सामने चलती हुई, उसने खिड़की खोली, उसने दे दिए 10-20 जितने दो, क्योंकि ये मांगते हैं तो कोई पॉकेट में डाल रहा है। 20 रुपये मांगते रहते हैं भाई, 20-20 रुपये मांगते हैं यार। 40,000 तनख्वाह लगे, ठीक है भाई, हम मैं रब की मतलब भगवान की कृपा से इतना कमा रहे हैं कि इनको दे सकते हैं यार, इनको दे सकते हैं कम से कम। और तो अपने सरदार पाजी थे, पता नहीं यार ये कब सुधरेंगे, और सुधर तो सकते नहीं भाई ये, इतना मेरे को पता है। और देना पीछे रोड के बीच खड़ा यार, ओवर गाड़ी आ रही है स्पीड में यार, लोड गाड़ी है, नहीं रुके आगे आए थे, और गाड़ी पर निकालने को डंडे से मारेंगे जैसे इनके बाप ने पैसे। फिर यार कुछ और सुनेंगे, मैं चाहता नहीं यार। मैं वही बता रहा हूँ ना, इनसे पूछिए ये कौन से, ये कहाँ के पुलिस वाले हैं भाई। देखना एन भाई, एक और गाड़ी आ गई है, उसका देखते हैं इसको क्या बनेगा इसका। अच्छा वो आरजे नंबर थी, इन्होंने रोकी ही नहीं, चलो भाई चली गई। एक और आया पीछे कंटेनर, वो देखो डंडे लेके चला गया आगे। और भाई ये पुलिस वाला भी नहीं है, लोकल गुंडा। वो देखना, वो देखो 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 देखो, साथ थोड़ा मारने की कोशिश की, शायद होने की कोशिश की उसने। देखा भाई कैसे भागा था, शीशे तोड़ने की कोशिश की, पर चलो ड्राइवर होते हैं तो इसने तो शीशे मार देना था। भाई भी आ गए भाई, कितने पैसे लिए? भाई चोर है चोर, आटियो था, यंग आटियो है, इसको शर्म नहीं आती, बेइज्जत, पढ़ा लिखा है। 100 रुपया मांगा, हाथ जोड़ जोड़ के 100 रुपया देते मतलब हाथ जोड़ते हैं भाई कि ऐसे करते हैं, 100 रुपए दे, बस 100 रुपए दे, चाय पानी दे दो यार। 40-50 हज़ार कमा रहे हो यार। मुझे बोलता कि गाड़ी की है पाइप लगी है डेकोरेशन, मैंने बोला यार हमारे जेंट के वाले आटियों पढ़े लिखे हैं, प्रोड है हमें उन पर, जितनी अच्छी गाड़ी होगी वो, इतनी साफ गाड़ी होगी वो खुशी से पास करते हैं। तू कौन होता है रिजेक्ट करने वाला? तो गाड़ी हम खुद से सजा रहे हैं यार, कोई एग्जॉस्ट नहीं लगाया, कोई टायर वही है, सिर्फ ऊपर टेपिंग वगैरह की है। पता नहीं भाई इनको ना बहाना चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का, मैं कैसे कहता हूँ इनको सिर्फ बहाना चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का यार। राजस्थान के तो आरटीओ कभी चेंज नहीं हो सकते, मतलब 100 रुपया मांग रहे हैं यार, आरटीओ के 100 रुपया मांग रहे, कम से कम तू 500 मांग। नहीं भाई सही बात है, 500 बनता ना चलो भाई क्या बोल सकते हैं यार, ये तो कभी चेंज हो नहीं सकते। चलो पर अब हमको भाई एक बात है ना, भगवान हमको इतना दे रहा है कि हम इनको दे सकते हैं, है ना, हम मेहनत से कमा रहे हैं। अभी आपने देखा पिछले ब्लॉग में रात को एक बंदा सो रहा है, चल रहा है, अपने खून पसीने की कमाई कर रहे हैं। भाई शर्म, मतलब यार गुस्सा भी आता है इन पे यार, कब हमारा देश सुधरेगा यार, कब सुधरेगा। ऐसे तो बोल रहे हैं बीजेपी ने ऐसा किया, पता नहीं पुलिस कब भाई चेंज होगी, ये मैंने क्या कहा। हिमाचल की पुलिस हमें बेस्ट लगी, महाराष्ट्र की लगी। एक बार सुबह हमने 200 का टोकन कटवाया। आई लव हिमाचल पुलिस, हिमाचल पुलिस भाई, हाँ पुलिस भी अच्छी है। और भाई नहीं, महाराष्ट्र की भी अच्छी है। महाराष्ट्र वाले एक बार टोकन करवा दो, पूरा दिन कोई तंग नहीं कर। यहाँ पे मिला है आगे 20 रुपए के लिए, फिर रो रहा है। 2000 की पर्ची मैं किस चीज की करूँ? 2000 की पर्ची किस चीज की करूँ? ऐसे 2000 भाई, हमारे डॉक्यूमेंट सब ओके, सब हम चल रहे हैं यार। पता नहीं यार, छोड़ो भाई, सो चलते हैं आगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, भूख भी लग रही है। फाइनली भाई पहुँच गए हम किशनगढ़। किशनगढ़ यहाँ से चला गया सिटी, वो आ गया किशनगढ़ बस स्टैंड ही है ना यार। हाँ, बसें लगी हैं वैसे यहाँ पर, यहाँ की किशनगढ़ सिटी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइल मार्बल वगैरह मिलता है, सस्ता रेट में मिलता है। आगे एक ढाबा है, मामे का ढाबा उसका नाम है, बहुत बढ़िया है। वो वहाँ रुकेंगे, वहीं खाना खाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं की सुबह से भाई, तो वहीं करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ मैं नहाऊँगा यार, क्योंकि मैं कल जम्मू उतर जाऊँगा, तो बंदा गाड़ी गुड़ी देखता आगे पीछे जाएगा। तो आपके लिए सरप्राइज़ भी तो है। तो ऐसे हालत ख़राब है, कपड़े नहीं है मेरे पास पहनने को, सभी अभी गंदे पड़े, थोड़े कपड़े भी धोएंगे। अरे मैं सोने की कोशिश कर रहा था, सोऊंगा वापस में। तो अभी यहाँ पे रुके हैं क्योंकि तेल अपना होने वाला है ख़त्म। तो अपने जो कंटिन्यू ब्लॉग दे रहे हैं उनको पता होगा, हमारे ऊपर एक ना 200 लीटर का 242 लीटर एक ड्रम पड़ा है, उसमें तेल भरा हुआ है। तो वहाँ से पाइप लगाएंगे, अपनी टैंकी में डालेंगे, फिर अपनी गाड़ी हिमाचल तक पहुँच जाएगी। फिर मुमताज से करवाएंगे फिर से टैंकी फुल। और भाई देखो केलों में पानी भरने गया, लिफाफे में पानी भरने गया। बारिश ही बहुत हुई तो चढ़ेंगे गाड़ी पर। भाई नींद भी आ रही है। कब पहुंचेंगे हम मामे के ढाबे में? मामे के ढाबे में जाएंगे तो उसके बाद भाई वहाँ पे पहले नहाएंगे, फिर एक बंदे को सोने का मौका दिया जाएगा। एक सुनहरा अवसर है, पोस्ट निकली है सोने की। अब देखते हैं दोनों भाइयों में से कौन सोएगा। फिर निकलेंगे, अभी हमने लगाई है गाड़ी शाया पे है ना, 15-20 मिनट लग जाएंगे पूरा 200 लीटर तेल टैंकी तक पहुँचाने तक। फिर हम निकलेगा, जाएगा, खाना खाएगा, सुबह से कुछ खाया नहीं है। भाई जान दे दो भाई, तेल वगैरह डाल लिया। अब सीधा जाना ढाबे पे, जल्दी जल्दी नहाना है, जल्दी जल्दी बस, उसके बाद खाना खाना, भागना वापस से। मामा के ढाबा पहुंचने वाले थे पर एक गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या चक्कर हो गया इनके साथ। अच्छा एक्सल निकल गया उस साइड वाला यार, है ना, एक्सल टूट गया गाड़ी का। पहुंचने वाले देखो किसानों के करपेंस काम करने सारे, जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। सब किसान भाई जा रहे हैं अपने अपने काम के लिए, अपनी मशीनें लेके। 2 बज रहे हैं, हम पहुंच गए यहाँ पे ढाबे पे। यहाँ पे मैंने खाना खाना, पर टाइम बड़ा लेट हो गया यार। आगे से फ़ोन कर व्यापारी, कल शाम तक गाड़ी पहुंचाओ। तो यहाँ पे अभी सोचा थोड़ा कपड़े धोएंगे, नहा लेते हैं। भाई नहा के मज़ा आ गया भाई, पानी थोड़ा नमकीन पानी था, फिर भाई बाल वाइट हो जाए नमक वाले पानी से। अब और जल्दी खाना खाना और फिर गाड़ी खींच लेनी है। वैसे मेरे को पता है गोरा हो गया थोड़ा नहा के ना। तो आज वापस काफ़ी दिनों के बाद टीका लगाया, क्योंकि भाई मैं सोचता हूँ जिस दिन नहाऊँ उस दिन लगाऊँ। 3-3 दिन हो जाते भाई बिना नहाए भी, क्या करना। भाई मामे दा ढाबा वधिया ढाबा भाई, खाएंगे खाना जल्दी जल्दी फिर निकलेंगे। अपना आ चुका है, पहले तो 2 लस्सी आई हैं, उसके बाद लगाया हमने पालक पनीर और दही भी, रोटी भी। खाना खाते हैं भाई, सीधा चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे वो कि मामे का ढाबा इतना फेमस क्यों है, क्या वजह है इसकी। भाई ढाबा यहाँ पे टायर के ऊपर शीशा लगा, मतलब कांच बैठने की जगह। सबसे मस्त है ये भाई, ये गाड़ी की शो आप देख सकते हो। मामे का ढाबा दौलतपुरा, वो अपनी गाड़ी के सामने, इंडियन पंप के सामने। यहाँ पे पड़ता है राजस्थान में ये। सबसे बेस्ट चीज़ ये है भाई, काउंटर है पूरा बना हुआ भाई गाड़ी के शो का, ट्रक का, ट्रक लवर, ट्रक वालों का ढाबा भाइयों का। यहाँ पे भी एक छोटा ट्रक खड़ा है जिसमें आपको ये मिल जाएगा खाने के लिए, सौंफ वगैरह। यहाँ पे बैठे, अच्छी फैसिलिटी है यार। तो निकलेंगे अपना, आराम, मंडी लेट हो रही है। अपनी गाड़ी वही देखी बताई पहले आपको। तो भाई खाना पीना अपना हो गया, तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी से भाई। अब वहाँ से निकल के खाना खा के ये आ गया हाईवे। अब सीधा यहाँ से आ गया रतनगढ़, फिर हनुमानगढ़, फिर बठिंडा, फिर अमृतसर, फिर जम्मू। अभी भाई करेंगे रेस्ट, हम अब चलेंगे भाई। चल रहे थे यहाँ पे रुक गए, वो आगे फाटक है, रेलवे फाटक। हम भी वेट कर रहे हैं ट्रेन का। कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कहाँ से आएगी वैसे? इस साइड से आएगी या इस साइड से आएगी? तो भाई फाइनली ट्रेन आ गई गई। आपको भी मिली हो गई। ओह छोटी सी थी यार, चलो ही चलिए हम भी। फिर से मेरे को तो वही पटरी है जो घूम घूम के आ रही है हमारे पास, पर वो सामने आ गई है। फिर से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, देखते हैं कब आएगी ट्रेन, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई फुल ऑफ रोडिंग यहाँ पे ऐसा परफेक्ट हो रहा है कि अपने टायर फिर से निकालो। फुल ऑफ रोडिंग करते हुए हम भाई गए पानी भरने के लिए। यार प्यास लगी थी कब से, तो वह हनुमानगढ़ रह गया 14 किलोमीटर। तो बारिश भी आ गई अब, तो वह सब निकलेंगे आगे धीरे धीरे। गाइस 6 बज गए, तो हनुमानगढ़ पहुंचने वाले थे। 1 किलोमीटर रह गया, रुके। अब बाइक चलाएंगे वो गाड़ी की पार। आए थे चाय पीने के लिए, पर भाई बारिश लगी और आइसक्रीम खाने का कोई अलग ही मज़ा है, तो आइसक्रीम खाते हैं। भाई अभी ना देखो अंधेरा पड़ने वाला है। टर्न बाय टर्न मैं आ गया साइड में, मैं थक गया था बाइक चला रहे हैं। तो अभी यहाँ से रह गया हनुमानगढ़ 100 नहीं यार, थोड़ा हनुमानगढ़ तो हो गया, बठिंडा ही रह गया थोड़ा। बठिंडा तक थोड़ी मुश्किल रास्ता, उसके बाद फॉरन आ जाएगा आराम से, पर पहुँच जाएंगे हम कहीं सुबह ही। तो यहाँ पर भाई जो यहाँ पर लोग हैं ना, मुझे प्लीज़ एक मैटर बता देना कि यहाँ पे ना कुछ भाई अपने वो बड़ा था ऐसे झंडा लेके, जैसे ओम लिखा हुआ झंडे में, शिवजी भगवान का जो भी है वो, तो मतलब तो ये जा रहे हैं सारे, मतलब काफ़ी यात्रा कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। तो भाई किस जगह वो मानते हैं, क्योंकि या मतलब हम भी तो जाते हैं। जैसे हम अपने घर से अगर हमको जाना हो ना, तो हम जाते हैं कटरा। भाई कटरा वैष्णो माता अपना है ना, वहाँ से पैदल जाते हैं नंगे पाँव। मतलब जैसे जैसे नई नई जगह, उनका मानने का तरीका अलग है। तो देखो भगवान तो एक ही होता है, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भगवान तो एक है, बस मानने का तरीका और बुलाने का तरीका अलग अलग है। तो बताना भाई ये कि जो जाते हैं ना, अभी आएंगे मैं दिखाऊंगा आपको। झंडे लेके आ रहे हैं, मतलब इस तरफ से इधर जा रहे हैं किशनगढ़ की तरफ, वैसा मंदिर है यहाँ पे जा रहे हैं। बताना भाई एक रास्ते में हम भी वहाँ जाएंगे। फिर अभी बज रहे भाई 9 और यहाँ पे रुके हैं। अब जाएंगे सीधा बठिंडा क्रॉस करके, खाना वगैरह खाएँगे यार। तो भाई फाइनली पहुँच गए पंजाब, मतलब पंजाब में इंटर हो गए। मैं सोया था यार, अभी उठा, टाइम हो रहे हैं भाई 11:30। तो भाई ने लगाई यहाँ पर ढाबे में, तो उठाया, बोलते खाना खाते हैं। उसका अब करेंगे भाई रेस्ट, अब चलना है, तो मुँह हाथ धोना पड़ेगा, पता नहीं क्या चक्कर, नींद आ रही है वापस से। बस खाना खा के फिर निकलेंगे। ये रही गाड़ी, ये ढाबा। तो भाई खाना पीना अपना हो गया। अब यहाँ से 30 किलोमीटर रह गया बठिंडा है, तब तक चलेंगे भाई। मैं करूँगा इंस्टा में सभी के रिप्लाई, उसके बाद भाई सोएंगे। फिर जब मर्जी तो सोएं भाई, कोई टेंशन नहीं है। फिर अपन चलेंगे मस्त तरीके से, सॉन्ग लगा के आराम से। भाई रिप्लाई कर रहा था वही, आपने वीडियो देखी जो, मतलब ये ब्लॉग देखने से पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, काजीकुंड की है वो। काजीकुंड में जब ड्राइवर को मारा पुलिस वाले ने, भाई माना चलो अगर पुलिस वाले मतलब गलती ड्राइवर की है भाई, फिर भी पुलिस को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि यार हर बंदा घर से कमाने के लिए निकला। पुलिस वाले तो भाई 40-40 हज़ार ले रहे हैं ना, तो ट्रक ड्राइवर 15,000-20,000 कमा रहे रातों को जाकर। जैसे हम अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब टाइम हो रहा है 12:30, अगर हमको फुल नाइट चलना है। भाई अगर हमें भी कोई ऐसा करेगा कल हमारे साथ, उसका मैं नहीं है कि भाई ट्रक ड्राइवर की एकता नहीं रही यार, मतलब ना वो उनके अंदर एक चूट नहीं है, एक कोपर नहीं है। बाकी सब तमाश देख रहे, वहाँ पे कितने ड्राइवर्स खड़े थे, सिर्फ एक भाई बीच में है जिन्होंने पुलिस वाले को रोका। यार सभी बीच में आते तो मैं मानते ना कि ट्रक ड्राइवर की एकता यार, मतलब ये बीमारी हमारी गलती है, मैं मानता हूँ। हम भी हैं यार, मैं भी ड्राइविंग करता हूँ, मैं भी ट्रक ड्राइवर हूँ, पर हमारी भी गलती है, हमारी एकता नहीं, हमें भी एक होना ही पड़ेगा यार अगर ऐसी सिचुएशन के लिए लड़ना है तो, क्योंकि सरकार हमारी बात सुनने वाली है नहीं है। और भाई कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपको बाइकर से क्या प्रॉब्लम है, छोटे बाइक वाले से। भाई हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि मैं इसलिए कहता हूँ मैं दिन को नहीं करता, क्योंकि यार मैं नहीं कहता कि सब ड्राइव गलत करते हैं। भाई बीच में कुछ लड़के ऐसे होते हैं रफ ड्राइव करते हैं बहुत ज़्यादा है, तो भाई अपने अपने आप को सेफ रहो, क्योंकि गलती तो बाद में लास्ट ट्रक वाले की मानी जाती है। बाकी हाँ भाई करने वाले तो ट्रक वाले भी गलत ड्राइव करते हैं, मैं नहीं कहता कि सब ट्रक वाले सही करते हैं, कुछ ज़्यादा ही गलत करते हैं बिल्कुल रात को। तो सब अपने अपने ध्यान से चलो। आजकल ऐसा रहेगा कि भाई अपनी जान मतलब अपनी गाड़ी बचा के चलो भाई, आगे वाले का कोई पता नहीं। हम भी चलते हैं अपनी सेफ्टी से चलते हैं, 4-10 घंटा लेट पहुँचे कोई टेंशन नहीं है। बस मैं यही कह रहा था भाई यार ट्रक ड्राइवर हम सबको एक होना ही पड़ेगा, मतलब एकता दिखानी पड़ेगी यार। कल जैसा उनके साथ हुआ ऐसा किसी के साथ हो सकता है, ये नहीं कि भाई ट्रक ड्राइवर किसी के साथ भी हो सकता है। तो चलते हैं आगे, अभी बठिंडा क्रॉस करेंगे, फिर बाइक करेंगे रेस्ट में, चलाता हूँ फिर गाड़ी। तो भाई बठिंडे सिटी कर रहा हूँ मैं क्रॉस। ये ऊपर जो है ना फ्लाईओवर के ऊपर ही मतलब काट था वहाँ, पहले तो मैं नीचे चला गया, वहाँ से घुमा के फिर लाई गाड़ी। कर रहे हैं क्रॉस, आप खींच कर रखेंगे सीधा ही। भाई सो गए, अब मैं फ़ोन पे लगाया ब्लूटूथ पे सॉन्ग, बंदा अपनी मर्जी से सॉन्ग तो सुन सकता है। बज रहे हैं 3, वो खड़ी के सामने गाड़ी नींद आ रही थी। मैं थोड़ी चाय पी लेते हैं फिर निकलेंगे आगे। भाई चाय पी ली और अभी कंटिन्यू सफ़र चल रहा है अपना। अमृतसर रह गया भाई 148 किलोमीटर, मतलब 5:30 बजे तक पहुंचूंगा मैं अमृतसर। तो भाई कंटिन्यू चलते चलते बज गए 4, मतलब 4 बजने वाले हैं। तो बस अभी हम जीजा में जगह नाम है जीरा, वो कर दिया क्रॉस। तो भाई कंटिन्यू चल के बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं। अब भाई को उठाएंगे, भाई चलेंगे। तो एडिटिंग करूँगा वीडियो की, 6 बज जाएंगे, अभी थंबनेल वगैरह बनाऊँगा। कहाँ सोएंगे फिर, जम्मू पहुँच के देखते हैं उसके बाद। 5 मिनट काम है भाई और अभी तारन तार पहुँच चुके हैं। तो ठीक है भाई, बताएं आप लोगों को कैसा लगा। मतलब एक तो पुलिस वाले, मैंने तो पुलिस वालों के ऊपर ही था पूरा। वहाँ पे राजस्थान में एंट्री दी, उसके बाद जो श्रीनगर से वीडियो आई, यार पता नहीं कब सिस्टम चेंज होगा। तो बस भाई को उठाते हैं यार, बोलेंगे उठो यार, चाहे पियो, आलस मत करो, गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी। थक गया यार, अब मैं 11 बजे कहाँ शुरू की थी, 5 बज गया। फर्स्ट टाइम 6 घंटे लगातार गाड़ी चलाई, 1-2 बार रुका, वही पानी वगैरह लिया, ये वो चाय पी। तो करेंगे इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं अनदर ब्लॉग पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ से शुरू करेंगे ब्लॉग को, तो देखते हैं। जम्मू से श्रीनगर तो मुश्किल ही जाना है, देखते हैं जम्मू रुकूंगा या घर जाऊंगा एक दिन के लिए, देखते हैं जो भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में मेरे बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अनदर ब्लॉग पर। तो भाई गुड नाइट बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, समझ नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग ही ठीक है भाई।